नमस्कार सर, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में कोरोना काल के बीच राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, सियासत काफी गर्म है। हालांकि मौसम काफी खुशनुमा है, लेकिन सियासत गर्म है। जी हाँ, तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है आरसीपी सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आरसीपी सिंह, उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, या यूं कहें कि पलटवार किया है। जी हाँ, लगातार राजद की तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा है, नीतीश कुमार को निशाने पर लिया जा रहा है। तो इस बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान सामने आया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरसीपी सिंह ने कह सकते हैं कि खूब सुनाया है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है, ये राजनीति नहीं सेवा का समय है, हर किसी को दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की चिंता करनी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग ओछी राजनीति से बाहर नहीं आ रहे हैं। हर मुश्किल वक्त में बिहार से भाग खड़े होने वाले आज नीतीश सरकार से सेवा का हिसाब मांग रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जी हाँ, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू, तो ये पोस्टर उन्होंने जारी किया है जहाँ ऊपर में नीतीश कुमार का फोटो है और नीचे आरसीपी सिंह का फोटो है और बीच में टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में जो बातें लिखी है वो तेजस्वी यादव के ऊपर लिखी गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है और लगातार जदयू की तरफ से ये बयान सामने आते रहा है कि तेजस्वी यादव जब भी बिहार में कोई आपदा आता है तो भाग खड़े हो जाते हैं। इस बार तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं आरसीपी सिंह। उन्होंने बड़ा हमला बोला है और सीधा कहा है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, सेवा का वक्त है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हिसाब मांग रहे हैं, खुद तो बिहार से बाहर है और नीतीश कुमार से किस बात का हिसाब मांग रहे हैं। तो इस तरह से बातें सामने आई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।